उद्गम के प्रति कभी विचार हो गंभीरता के साथ कि जीवन का स्रोत मूल उद्गम कहां हो सकता है, तब उसके लिए शास्त्र संकेत करते हैं ऊर्ध्व मूल अधशाख मश्वतम प्राहुर वयम। ऊर्ध्व मूल जीवन का जो मूल है, जो ये जीवन हमारे हाथ में, इसका मूल ऊर्ध्व और एक ये नीचे है विश्व जिसमें दृश्य है, घटनाएं, जैव और उसकी विविधता, इसे विश्व कहेंगे, जिसमें ये है, ये जगत जिसमें जैव का वैविध्य है, प्राणियों का नानात्व तो है, दृश्यों में कहीं स्थिरता नहीं, रूप में कहीं नित्यता नहीं, तुझा हर पल रूप में अनित्यता है, समय हर पल सरकता है, यहां जहां कुछ भी स्थिर नहीं है, ऐसे में इस पूरे जगत ये जो देह हमारे पास है, जिसमें जीवन हमारे पास, इसका मूल कहीं है, तो उसके लिए संकेत किया गया ऊर्ध्व मूल, उसका मूल कहीं ऊपर है। जैसे जल को अग्नि की निकटता मिले और प्रचंड अग्नि का सहवास मिले तो वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाती है, जल ऊपर उड़ जाता है, वायु तो स्वयं कहीं ऊपर से ही सरक कर आती है और अग्नि की लौ ऊपर जाती है, जल उड़कर ऊपर चला जाता है, कुछ चीजें धरती पर राख भर, बाकी तो आकाश कितना सूक्ष्म है और जहां से जीवन आता है, ऐसी निहारिकाएं, ऐसे नक्षत्र ग्रह, सूर्य और चंद्रमा, शशमार और उससे परे का कोई एक ऐसा अज्ञात, अंतरिक्ष से भी परे का कोई एक जगत जहां से जीवन के संबंध है। तो कहा ऊर्ध्व मूल, हमारा जो मूल है वो ऊर्ध्व कहीं अलग है। इसे जब हम बात देह की करते हैं तो केवल देह का कोई संबंध, यहां का कुछ संबंध है, कुछ रजकण मां के पिता के वीर्य कणों का एक ये विस्तार, ये जो दिखती है देह, रज और वीर्य कणों का ये विस्तार और कुछ एक युग्म बनकर फिर भ्रूण और जन्म और फिर ये प्रकृति के साथ ये जीवन का विस्तार, इतना सही जीवन नहीं है। केवल सांसों के सिलसिले का नाम, धमनियों में बहने वाले रक्त का नाम जीवन नहीं है कि कुछ विचार और केवल कुछ स्वप्नों की साकारता में जुटी हमारे प्रयत्न और शीलता का नाम ये जीवन नहीं है कि कुछ पदार्थों को पालें और कुछ मान सौंदर्य सुख और को सत्ता हमारे आसपास ऐसी हो जो मन की अनुकूलता के साथ जुड़ी हो, इसी का नाम जीवन नहीं। और अगर ये भी कोई जीवन है, ये भौतिकी है, ये पदार्थों के साथ जुड़ा हुआ ये कोई जीवन, तो इसका भी कोई ठीक प्रबंधन हो। अगर ये भी जीवन है तो यद्यपि ये केवल जीवन नहीं, जीवन कुछ और भी है, तो अगर ये भी जीवन है तो इसका ठीक प्रबंधन हो और इसके लिए वित्त का, समय का, श्रम का, ऊर्जा का ठीक प्रबंधन हो, तो अगर ये भी ठीक मैनेज नहीं होता है हमसे, इसमें कौशल नहीं है, जैसा कि योग कर्मसु कौशलम की कोई कार्य की कुशलता ही योग है और समत्वम योग उच्यते, कि एक समता में रहें, एक एकाग्रता रहे, जैसा कि एक मनोयोग है कि मन एक पूरा का पूरा कहीं एक जगह फोकस करे, वो एक जगह केंद्रित हो और उसको धारणा और ध्यान और समाधि तक की यात्रा में जीवन को कहीं बताया गया। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि
अगर आप कभी जीवन के प्रति सजग हुए, कभी आपको स्वयं के प्रति कोई एक जागरूकता स्वयं में कहीं आप में एक पैदा हुई, तो सच में इसके बहुत अलग अर्थ लगेंगे। ये फिर बड़ा महनी है, बड़ा मूल्यवान है, ये फिर बहुत इसमें दैवत्व, इसमें फिर भगवत्ता, फिर इसमें ईश्वरत्व, फिर इसमें आनंद और इसमें समग्रता, इसमें परिपूर्णता अनुभूत होगी आपको। आप जीवन के प्रति अगर सचेत ही नहीं है तो फिर इसमें तो कई बार नैराश्य हाथ लगता है। कुछ लोग तो आत्महंता देखे गए कि इन्होंने छलांग लगा दी पहाड़ों से, कि वो झील में डूबकर मर गए, कि उन्हें नहीं सहा गया, कोई आवेश वो नहीं रोक सके तो विष खाकर प्राण दे दिए, कि वो कहीं अग्नि में जलकर राख हो गए, या कि कोई फंदे गले में फंदा लगाकर और किसी वृक्ष पर उनकी काया लटकी पाई गई। देखिए कैसा कोई एक अवसाद, कैसी जीवन के प्रति कोई ग्लानी, ऐसा कोई एक नकारात्मक और अपने से दूर भागने की कोई एक समूची एक ऐसी सत्ता उनके सामने आकर खड़ी हो गई कि कुछ आशा नहीं है, कुछ जीने के लिए कोई मार्ग नहीं है, वो अपना समाधान नहीं कर पाए होंगे। तो कभी कभी वो वहां तक व्यक्ति पहुंचा, क्योंकि उसके पास ज्ञान की किरण नहीं पहुंची, उसके पास आशावादिता नहीं थी, या कि वो बहुत सकारात्मक सोच का प्राणी नहीं था। वो कितना हिंसक हो गया स्वयं के प्रति कि उसने जीवन का ही नाश कर लिया। जो जीवन ईश्वरीय है, भगवदीय है। मैं निवेदन ये करना चाह रहा था कि अगर हम ठीक अपने आप को नहीं समझ पाए हैं तो ये एक समस्या तो है। अगर हम ठीक तरह से अपने को नहीं समझ पा रहे हैं तो एक समस्या तो है ये, और ये अज्ञान से, प्रमाद से, आलस से, अविवेक से, अविचार से, अल्पज्ञता से जन्मी ये समस्या धीरे 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 करके हमारे विकास में बाधक बनती है, हमारे उन्नयन उत्कर्ष में बाधक बनती है, और कहीं बाधक बने तो हमारे आनंद से तो हमको वंचित करती है। कम से कम अपने आनंद से तो वंचित हैं हम, अपने आनंद से वंचित हैं, अपने होने के अर्थों से विलग हैं, और पदार्थों को तो ये प्रमुखता देती है, ये हमारी जीवन शैली, और स्वयं को नकारती है या कि गौण करती है। एक हल्की सी भीतर किरण पहुंचे ज्ञान की। मैंने बहुत बार ये कही है कि जहां अंधेरा बहुत रहता है वहां पर विषाक्त विषैली है वनस्पतियां, मारक वनस्पतियां रहती हैं। मैं जंगलों में कुछ दिन रहा हूं, मैंने जंगलों का एक सच तो देखा ही है कि जंगलों में जहां सन्नाटा है, चुप्पी है, नीरवता है, निर्जनता है, एकांत है, वहीं एक और सच है जंगल का कि वहां जहां अंधेरा प्राय रहता है, सूरज की किरण जहां नहीं पहुंचती, वहां पर बदबू है, सीलन है, सड़ाद है, गंदगी है, और वहीं विषैले भुजंग हैं, कृमि, ऐसे कीट, ऐसे वहां ऐसी वनस्पतियां कि उन्हें स्पर्श कर लें तो बीमार हो जाएं। तो कई वनस्पतियां ऐसी वहां पलती हैं और फंगस वहीं रहती है, और तो और आपके घरों में कॉकरोच भी छुपकर अंधेरे में ही बैठता है। तो वो कहीं जो एक अंधेरा सा है वो किसी एक विषाक्तता को, विषैलेपन को जन्म देता है। एक अंधेरापन जहां भी है, वो जिस किस्म का अंधेरा है, वो जिस ढंग का अंधेरा है। और अगर अंधेरा कल्पना करो कि वो भीतर है, जिसके लिए कि बात कही असतो मां सदगमे तमसो मां ज्योतिर्गमे, कि मैं असत्य से सत्य की ओर चलूं या कि अंधकार से प्रकाश की मेरी यात्रा हो, और ये मरण धर्मा जगत है, मृत्यु यहाँ का एक सच है, और तो मैं अमृत की ओर चलूं, तो एक प्रकाश की बात तो कही है, बार बार प्रकाश की बात कही है शास्त्रों में, और वो हम जानते हैं कि किस तरह से एक असहायता हमारे सामने आकर खड़ी होती है। जब अवसान होता है दिवस का, सूर्य कहीं पश्चिम में जाकर सरक जाता है, और लो अब रात है, तब ऐसे में कोई एक दिया हमारा साथ देता है, और फिर कोई उस दिए के उद्यम से निकला आलोक पदार्थों को और उनके प्रयोग को, उनकी गुणधर्मिता को, उनकी सत्ता और उनके समग्र अस्तित्व को प्रकाशित करता है।